ज्वालामुखी के वार्ड नंबर 6 में अष्टभुजा मंदिर के पास एक बड़ा 150 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ आने जाने वालों के लिए खतरा बन गया है। इस विशाल पेड़ का एक बड़ा हिस्सा बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर और रिहायशी मकान व आश्रम की तरफ झुक गया है और किसी भी इसमें इस हिस्से के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। इस पेड़ के हिस्से के गिरने से बिजली ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो सकता है और नजदीकी मकानों व आश्रम की गौशालाओं को भी नुकसान पहुंच सकता है। आश्रम के गुरु व शिष्यों ने संबंधित विभाग को जल्द से जल्द इस बड़े जर्जर हो चुके हिस्से को हटाने की गुहार लगाई है ताकि इसकी चपेट में आने से बड़ा हादसा ना हो। भगवान चंद्र मंदिर के गुरु ने बताया कि दिवाली की रात इस पेड़ पर पटाखों की वजह से नुकसान पहुंचा है और अब इस पेड़ का एक जर्जर खोखला हो चुका हिस्सा गिरने की कगार पर है, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने की संभावना है और इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग की भी स्थापना है, इसलिए संबंधित विभाग जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करे ताकि हादसे से बचा जा सके। गौरतलब है कि 6 माह पहले भी दिहरा मार्ग पर गिरे एक विशाल पीपल के पेड़ ने रिहायशी भवन को नुकसान पहुंचाया था और दिहरा मार्ग भी लगभग 24 घंटे बंद रहा था। इसी तरह से अष्टभुजा में वर्षों पुराना पेड़ भी आश्रम रिहायशी मकानों व बिजली विभाग के लिए खतरा बन गया है। हल्का सा तूफान हो या बारिश इस पेड़ के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसे जल्द हटाया जाना जरूरी है। इस संदर्भ में विद्युत विभाग ज्वालामुखी उपमंडल करण गुलेरिया ने बताया कि वे स्वयं मौके पर जाकर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे ताकि कोई क्षति ना पहुंचे। यहाँ जो बैठे हैं अष्टभुजा माता जी के श्री चरणों में हैं और यहाँ पर मैं ठीक पूरे कुटिया के सामने ही पीपल का जो वृक्ष है और इस वृक्ष बहुत ही प्राचीन बहुत ही पुराना है, किंतु ये जर्जर हो गया है और कुछ शायद इस पे पीछे दिवाली के टाइम थोड़ा कुछ अग्नि का थोड़ा कुछ इसमें कुछ हो गया दुर्घटना, उससे वृक्ष में काफी थोड़ा सा कुछ और भी नुकसान थोड़ा हो गया। एक तरफ का जो टाना जो है वो इतना कमजोर हो चुका है कि कभी भी किसी भी समय वो गिर सकता है और उसके गिरने से जो है जो पार ट्रांसफार्म जो लगाया है एक ट्रांसफार्म के ऊपर पूरा उसका प्रभाव पड़ेगा और अपने स्थान का जो बिल्डिंग है गौशाला है गौएं वहाँ रहती हैं और संत महात्मा लोगों में कभी यहाँ पर न कोई सेवा पूजा चलती ही रहती है। तो यदि इस वृक्ष को समय से यदि उसको टाने को नहीं हटाया गया नहीं उसको अलग किया गया उसकी कमजोरी को तो इसकी बहुत भारी हानि होने वाली है निश्चय ही। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस हानि को रोकने के लिए अपने विभाग वाले जो है उनका मैं भूल रहा हूँ आकर के और इसको देख करके और इस वृक्ष का जो टाना जो है ज्यादा कम उसको काट करके उसको बिल्कुल एकदम ठीक से उसको वह कर दें ताकि कोई किसी को खतरा ना हो। हमेशा गाड़ियाँ भी बच्चे भी सब आते लोग खतरा ना हो, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही है।